करनाल जिले के कुटेल में प्रथम चरण में लाइब्रेरी प्रशासनिक विंग व 750 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस बारे में उपायुक्त निशांत कुमार यादव का कहना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कुटेल में करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल बनाया जा रहा है। यह आने वाले 22 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही इस विश्वविद्यालय में इसी शिक्षा सत्र में फिजियोथेरेपी और नर्सिंग की कक्षाएं भी लगनी आरम्भ हो जाएंगी। अब यह कक्षाएं कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में लगाई जा रही है। यहां आपको बता दें कि उपायुक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने विश्वविद्यालय में चल रहे विकास कार्यों की गहनता से जांच की और संबंधित अधिकारियों व निर्माण कार्य करवा रही कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में तत्परता बरते ताकि समय से इस कार्य को पूरा किया जा सके। उपायुक्त ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कुटेल में करीब 143 एकड़ में बनाया जा रहा है। पहले ही इसकी 4 दीवारी करवा दी गई थी और फिजियोथेरेपी और नर्सिंग की कक्षाओं के लिए भी भवन गत वर्ष से बनकर तैयार है। इन कक्षाओं को इस वर्ष शिक्षा सत्र में चालू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विश्वविद्यालय के नक्शे के अनुसार जीटी रोड से रास्ता बनाया जाएगा। किसानों से बात की गई है। अब इस विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य लगातार जारी रहेगा। उन्होंने निर्माण कार्य में लगी कंपनी के प्रतिनिधियों से कहा कि अपने कारीगरों व मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच समय समय पर करवाएं। यदि कोई दिक्कत है तो उसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दें। वहीं विश्वविद्यालय के कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस ओमवीर राणा ने बताया कि लाइब्रेरी प्रशासनिक विंग हॉस्टल और अधिकारियों व कर्मचारियों के निवास व अन्य शिक्षण संस्थानों के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त इसी परिसर में 750 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल भी बनाया जा रहा है। जो दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी कुटेल है, आज हमने उसका जो कार्य है उसके देखने के लिए यहाँ पे आए थे। और क्योंकि बीच में कोरोना महामारी की वजह से कुछ समय के लिए कार्य बंद रहा और फिर से कार्य शुरू कर दिया गया है, हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में सुचारू रूप से चलता रहे कार्य, ताकि लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल एरियाज हैं और रेजिडेंशियल एरियाज हैं वो पूरे तैयार हो जाएं। जो नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज है वो तैयार है। हम इसकी एक जल्दी इंस्पेक्शन कराएंगे और कोशिश करेंगे कि इसी साल से एकेडमिक सेशन से सारी क्लासेज यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। लेबर को कोई दिशा निर्देश दिए गए अधिकारियों को? जी बिल्कुल, लेबर जितनी भी यहाँ कार्य कर रही है उनको जो है कोविड संबंधी जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी होंगी। उनको मास्क दिए जाएँ, सैनिटाइज़र दिया जाए और उनकी स्वास्थ्य जांच समय समय पे हो। अगर कोई भी सिम्टोमेटिक नज़र आता है, किसी में भी लक्षण नज़र आते हैं तो तुरंत हेल्पलाइन पे कॉल करके। तो सर, जो लॉकडाउन की जो स्थिति है उसमें कुछ इसके निर्माण पे कुछ असर पड़ा है? कुछ स्लो रहेगा या विद इन लिमिट पूरा हो जाएगा? लगभग 1 महीने कार्य बंद रहा, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो डेडलाइन है 22 महीने की जो डेडलाइन है उसमें हम पूरा कराएंगे। और अभी तक की जो जिस तरीके से दोबारा से कार्य शुरू हुआ है, हम आश्वस्त हैं कि निर्धारित समय सीमा में इसके कार्य को कम्प्लीट करवा लेंगे। तो जिले के जो कंटेनमेंट जोन है सर, उनके लिए क्या निर्देश है? क्योंकि रसीन गाँव का आज लास्ट दिन है। कंटेनमेंट जोन्स पे जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जैसे ही कोई पॉजिटिव केस आता है उसमें 28 दिन के लिए उस गांव को सील कर दिया जाता है। नसीन गांव जो है वो 3 तारीख को सील किया गया था, 3 अप्रैल को। अगर आज भी कोई और केस उसमें नहीं आया तो कल यानी 1 मई को हम उसको ओपन कर देंगे। बाकी जो गांव के जिले के 4 और कंटेनमेंट जोन्स हैं वो भी इसी प्रकार से 28 दिन के लिए बंद रहेंगे। रसीन में हमने पूरी कोशिश की है कि इन 28 दिनों में वहाँ राशन और जो बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं, सब्जियां फल, वो हमने एक वेंडर निर्धारित करके बाहर से भिजवाए हैं। फसल की कटाई की भी समुचित प्रबंध किए थे और जैसे ही ये डीसील होगा तो फिर ये जो वहाँ के किसान हैं वो अपनी फसल को मंडी में ला करके बेच सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.